सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम येस बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने हर दिन इसी स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल्स पे शेयर कर रहा हूँ। देखिये दोस्तों, ये वीडियो पे हम ये स्टॉक के ऊपर चार्ट पैटर्न ओपन करके टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे कि ये स्टॉक अभी किसी दिशा पे मूव कर सकता है और ये स्टॉक के लिए किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप पहले से इस स्टॉक के ऊपर खरीदारी करके रखे हुए हो और आप इसी स्टॉक पे एवरेज करना चाहते हो तो दोस्तों, किसी लेवल के आसपास एवरेज करना ये स्टॉक के लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके टेक्निकल एनालिसिस करके इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानेंगे और दोस्तों, लास्ट पे हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके जानेंगे कि ऑप्शन चेन का डाटा के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे येस बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है और देखिए दोस्तों, ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये येस बैंक का ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, देखिए दोस्तों, एक डेढ़ महीना से येस बैंक का स्टॉक 29 के आसपास एक लो बनाया था और इसी लो लेवल से येस बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा था। लेकिन दोस्तों, येस बैंक स्टॉक के लिए जब ये स्टॉक 75 लेवल के आसपास आया है, ये 75 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। और देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली ये 75 लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों वापस इसी लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए 7 से 8 ट्रेडिंग डे से ये ट्रेड कर रहा है और ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके ये तेजी से नीचे की तरफ ही जा रहा है। और दोस्तों, मैंने कल बताया था कि स्टॉक के लिए 45 लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है। अगर ये स्टॉक इसी 45 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाता है तो दोस्तों, ये स्टॉक के लिए जो अगला टारगेट रहेगा ये 36 लेवल के आसपास। और देखिए दोस्तों, ये लेवल को आज ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ इसी लेवल को ये तोड़ के नीचे की तरफ चला गया है। इसलिए दोस्तों, मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 36.75 लेवल के आसपास ये पहुंच जाएगा। अगर ये स्टॉक 36.75 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाता है तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी 29 लेवल के आसपास वापस पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को लगा के हम देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। देखिए दोस्तों, रिट्रेसमेंट लेवल से पहले मैं आपको ये मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रहा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बेयरिश मानते हैं, लेकिन अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बुलिश मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये स्टॉक का चार्ट को देखोगे तो दोस्तों, ये स्टॉक 7 से 8 दिनों से इसी लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये लाइन के हिसाब से भी हमको सिग्नल मिल रहा है कि स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ ही जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का वॉल्यूम के हिसाब से भी ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर किसी स्टॉक किसी दिशा पे जाता है और उसका वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है तो स्टॉक उसी दिशा पे और तेजी से चला जाता है। इसलिए दोस्तों, मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिट्रेसमेंट लाइन को ऐड करके देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये स्टॉक किसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन को ऐड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट लाइन था दोस्तों, 61.8% रिट्रेसमेंट लाइन को हम गोल्डन फिबोनाची रेशियो बोलते हैं।
गोल्डन फिबोनाची रेशियो, मतलब अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक पे बाइंग का पैटर्न फॉर्म होके ऊपर की तरफ जाने की चांस ज्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी 61.8% लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 78.3 लेवल को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों 78.3% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये 39.75 लेवल के आसपास आ रहा है, मतलब आप ये लेवल को 40 बोल के मान लीजिए। तो दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर ये 40 लेवल के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक इसी लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों ये स्टॉक वापस हमको 29 लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किसी लेवल के आसपास आपको इसी स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली कोई भी स्टॉक का स्ट्रेंथ जानने के लिए उसका एटीआर वैल्यू को देखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एटीआर को ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों डेली एटीआर के हिसाब से अगर आप एटीआर वैल्यू को देखोगे तो दोस्तों ये 5.51 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक एक दिन पे ऑन एंड एवरेज 5.51 पॉइंट के आसपास मूव कर रहा है। तो दोस्तों आप राउंड फिगर इसको 5 ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो किसी लेवल के आसपास आपकी एंट्री रखना है और किसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस और टारगेट रखोगे उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हमको 30 मिनट का एटीआर का चार्ट को देखना पड़ता है। तो देखिए 30 मिनट का एटीआर के हिसाब से इसका एटीआर 1.67 आ रहा है। तो दोस्तों जितना का हमारा एटीआर वैल्यू आएगा वो वैल्यू पे हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1.67 इसका एटीआर का वैल्यू है। तो अगर आप उस पर 1.5 मल्टीप्लाई करोगे देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 2.5, मतलब आपकी 2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसका डबल आपकी टारगेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों किसी लेवल के आसपास हमको एंट्री करना है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों इस स्टॉक का अगर आप स्विंग लो को देखोगे तो दोस्तों इसका स्विंग लो का लेवल ये 41.20 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों आप इस पर 41.25 के आसपास एंट्री ले सकते हो। तो अगर आप 41.25 पे एंट्री लोगे आपके स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रहेगा, देखिए 41.25 पे आपकी एंट्री आएगा। तो दोस्तों आपकी स्टॉप लॉस 43.75 लेवल के आसपास रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 43.75 लेवल किसी लेवल के आसपास आ रहा है। देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास आप आपकी स्टॉप लॉस रखोगे और आपका जो टारगेट रहेगा, देखिए आप जनरली 41.25 लेवल पे एंट्री किए हो तो आपकी जो टारगेट रहेगा वो 5 पॉइंट नीचे, तो आपका टारगेट 36.25 के आसपास रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी जो टारगेट आएगा देखिए ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके उसका साइड पे जो बेल आइकन है वो बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।